ओके बाय, संभल कर जाना और अपना ध्यान रखना, ठीक है? डेफिनेटली. ठीक है, बाय बाय. बाय, टेक केयर. आई विल. बाय बाय. आप रो रही हैं, मैं आपके साथ ट्रेवल कर रही हूँ. आप प्लीज मुझे बताइए क्या बात है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? आपको देख के ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी अपने से बिछड़ कर ट्रेवल कर रही हैं. ठीक कहा आपने, मैं बिछड़ गई हूँ अपनों से, और जो मुझसे छिन गया है वो मुझे दोबारा कभी हासिल नहीं हो सकता. खोने और पाने का ये खेल भी अजीब है. वैसे आप जा कहाँ रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? मैं शामगढ़ हवेली जा रही हूँ. आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? आइए ना, मेरे साथ बैठिए. चलिए. अरे आप, कहिए जी, मुझे खुराना साहब से मिलना है. आप कांता जी? जी. आइए. थैंक यू. आइए, आप बैठिए, मैं बड़े साहब को इतला देता हूं. जी. खुराना साहब, आपसे कोई कांता मिलने आई है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मैं कांता, कांता गिल. और मैं प्रकाश खुराना. हेलो. हेलो. आपको सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, मुझे सफर में कोई तकलीफ नहीं हुई. गुड. तो आइए मैं आपको उसके पास ले चलूं जिसकी जिम्मेदारी आपको संभालनी है. जी खुराना साहब. जी. अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछिए. खुराना साहब, आपका इतना बड़ा घर है, इतने नौकर चाकर हैं, फिर एक मासूम सी नन्ही जान के लिए मेरी क्या जरूरत पड़ गई? ये काम तो उसकी माँ को करना चाहिए. आप नहीं जानती कांता जी, उस बच्ची की माँ नहीं है. I am sorry. आइए. जी. आप
बहुत प्यारी बच्ची है, वेरी क्यूट। ये माधवी है जिसकी जिम्मेदारी आपको संभालनी है। अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, माँ को मिस भी बहुत करती है, लेकिन हमने इसे कहा है कि इसकी माँ मायके चली गई है, तो आप भी इस बात का ख्याल रखिएगा। आपके रहने का इंतजाम मैंने कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप बिना संकोच रामू से कह दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो मैं चलता हूँ। जी। क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? वो जी, वो मेरे छोटे भाई सुधीर की स्वर्गीय पत्नी माधवी की मां चंद्रा की तस्वीर है। हाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? इन्हें तो मैंने कल ट्रेन में देखा है। क्या, ये क्या कह रही हैं आप? आप होश में तो हैं? इन्हें गुजरे तो 6 महीने से ऊपर हो गए कांता जी। ये कैसे हो सकता है? मैंने रे... I'm sorry. शायद मैंने इनसे मिलती जुलती शक्ल की किसी और औरत को देखा होगा। ताऊ जी। अरे मेरा बेटा। हमारी बिटिया रानी जाग गई। हाँ ताऊ जी। ताऊ जी, मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे कोई पुकार रहा है। ताऊ जी, वो कौन है? खुराना साहब, मैंने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। कौन है तुम? तुम कौन? मैं कांता। कौन कांता? मैं किसी कांता को नहीं जानता। बाजाओ, बाजाओ। देखिए, आप जो कोई भी है फिलहाल आप बाहर जाइए। सुना, कौन है ये? सुधीर, मैंने कहा था ना तुमसे, ये कांता जी है। कब बताया था? मैंने कहा था तुमसे, तुम्हें शायद याद नहीं, मैंने कहा था कि माधवी की देखभाल के लिए कांता जी आने वाली हैं। जब ये आई तब तुम सो रहे थे,
और बाद में हवेली से कब बाहर चले गए कुछ पता ही नहीं चला। सुधीर अब चलो। कांता जी आई एम सॉरी। आई एम ऑल्सो वेरी सॉरी। मुझे पता ही नहीं था। सुधीर संभालो अपने आप को। चलो धीरे संभालना। मैं तुम पे कोई काला साया नहीं पड़ने दूंगी, कभी नहीं। कांता जी मैं चाय बना दूं? जी रामू काका। रामू काका एक बात पूछूं? जी। आप इस घर में कितने साल से काम कर रहे हैं? मुझे यहाँ काम करते हुए 30 बरस हो गए। मैं तब यहाँ आया था जब बड़े सरकार जिंदा थे। वैसे मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, बस अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रही हूँ। ये सुधीर बाबू की पत्नी चंद्रा जी की कोई बहन भी है? बहन? जी नहीं कांता जी, वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसीलिए उनकी मौत के बाद उनकी सारी जायदाद छोटे बाबू के नाम हो गई। ओह, और उनकी मौत कैसे हुई? ये तो सारी दुनिया जानती है, और बल्कि ये खबर तो सारे अखबारों में छपी थी। वो सुधीर बाबू के साथ बेंगलोर से ट्रेन में आ रही थी और ट्रेन के कंपार्टमेंट में ही किसी ने उनकी हत्या कर दी। पर ट्रेन में तो सुधीर बाबू थे ना साथ में? हाँ, ये हादसा रात करीबन 3 बजे पेश आया और उस वक्त सुधीर बाबू गहरी नींद सो रहे थे, और जब जागे तो सब कुछ खत्म हो चुका था,
और आपकी जानकारी के लिए इतना और बता दूं कि पुलिस ने चंद्रा जी के कत्ल के इल्जाम में सुधीर बाबू को गिरफ्तार भी किया था, मगर 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 उनके बड़े भाई प्रकाश साहब ने उन्हें बचा लिया। तो फिर चंद्रा जी का खून किसने किया? पता नहीं, मगर अब भी बहुत से लोग उन्हें ही कातिल समझते हैं। और आप क्या मानते हैं? मैं नहीं मानता कि सुधीर बाबू चंद्रा जी के कातिल हो सकते हैं। वो बेहद प्यार करते थे चंद्रा जी से। उनकी मौत के बाद क्या हालत हो गई है उनकी? जो आदमी शराब की तरफ कभी देखता तक न था, अब दिन रात शराब के नशे में डूबा रहता है। कांता जी, वो शराब पीते हैं चंद्रा जी का गम भुलाने के लिए, मगर नहीं भुला पाते चंद्रा जी को। मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि इसी दिन सुधीर बाबू अपने आप को ही ना खत्म कर ले। माधु बेटा। आंटी। बेटा तुम किससे बात कर रही थी? मम्मी से। मम्मी? कहाँ है मम्मी? वो रही। अरे अभी अभी तो यही थी, उन्होंने कहा हम दोनों लुका छुपी खेलेंगे। बेटा तुम्हारी माँ यहाँ कैसे आ सकती है? कैसे आ सकती है मतलब? वो तो आई थी, वो तो कभी भी आ सकती है, उससे कोई आने से रोकेगा? चंद्रा जी, मैं नहीं जानती ये सब क्या हो रहा है, ना ही आत्मा जैसे कोई चीज पे मैं विश्वास करती हूं, लेकिन हाँ, जो कुछ भी हो रहा है मेरी समझ के बाहर है। ये घर बड़ा रहस्यमय है, बड़ा मिस्टीरियस है। मैं आपसे मिली, मैंने आपसे बातें की, और अब माधवी से बातें करके मुझे लग रहा है कि या तो आप जिंदा हैं या आपकी कोई हमशक्ल है। चंद्रा जी, अपने ही घर वालों के साथ ऐसी लुका छुपी क्यों खेल रही हैं आप? मम्मी, 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 मम्मी आप तो यहाँ हो, और आंटी आपकी तस्वीर से बात कर रही है। मम्मी रुकिए, मम्मी मेरे साथ खेलो ना, मम्मी। किससे बात कर रही थी बेटा? मम्मी से। मम्मी? कहाँ है तुम्हारी मम्मी? अभी अभी तो यही थी, लगता है आपको देखकर कहीं छुप गई। नहीं बेटा, यहाँ कोई नहीं है,
चलो बेटा एक काम करके आते हैं, तुम्हारे बड़े पापा को गुड मॉर्निंग बोल के आते हैं। ओके ओके। सुधीर जाग गया जी? वो गुड मॉर्निंग ताऊ जी। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग कुराना साहब। गुड मॉर्निंग कांता जी। क्या बात है, आज मेरा बेटा बहुत सुंदर लग रहा है। माधवे कम कम। पापा अब आपको ज्यादा अपसेट होने की जरूरत नहीं है, मम्मी लौट आई हैं नाना जी के घर से। मेरे साथ वो लुका छुपी खेल रही थी, मैं मम्मी से कहूँगी कि आपसे भी मिले। अंता जी ये बच्ची क्या कह रही है? कुछ नहीं कुनाल साहब, क्या होता है कि दरअसल छोटे बच्चे अपनी माँ से कुछ ज्यादा ही अटैच होते हैं, इसलिए कई बार उनके ना होने पर भी अपना एक इल्यूजन या एक भ्रम बना लेते हैं। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ है। खैर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, फिलहाल माधवी छोटी है, उसे समझाना मुश्किल है। अभी तो बस आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहिए। मेरा बेटा चलो। बेटा मत। बेटी को मुझे दो। आओ बेटा। कांता जी मैं अपने कल रात के बिहेवियर के लिए बहुत शर्मिंदा। मेरा यकीन मानिए मैं ऐसे बिल्कुल नहीं हूं। सुधीर जी मैं रात की बात को भूल चुकी हूँ, आप भी भूल जाइए। हाँ अगर आप चाहे तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैसी मदद? मैं सुधीर जी जब तक माधवी इस घर में है तब तक आप नशे की हालत में उसके सामने मत आइए। माधवी आम बच्चों जैसी नहीं है, उसकी माँ की तरह वो भी आपसे बहुत प्यार करती है। चले माधवी बेटा स्कूल का टाइम हो गया है, बाय कर दो सबको। बाय पापा। बाय ताऊ जी। बाय। आई एम सॉरी भैया। अपने आप को संभालो सुधीर, ये पीना छोड़ दो। ये क्यों नहीं कहते भैया के जीना छोड़ दो। हेलो। कौन जी? मैं कांता बोल रही हूँ, आप कौन बोल रही हैं? मैं जो भी हूँ तुम्हारी शुभचिंतक हूँ। जी आपके फोन करने की वजह? तुम्हें ये बताने के लिए कि जितनी जल्दी हो सके तुम ये घर छोड़कर चली जाओ, वहां तुम एक कातिल की बेटी की देखभाल कर रही हो और वहां तुम्हारी जान खतरे में है। कातिल? कातिल से आपका मतलब? मेरा मतलब सुधीर से है। वो कत्ल के मुकदमे से तो बच गया मगर उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। जब उस पर दिमागी दौरा पड़ता है
तो वो इंसान से हैवान बन जाता है, वो कुछ भी कर सकता है, और मैं नहीं चाहती कि उसके पागलपन का शिकार तुम बनो। जी, आपकी हमदर्दी के लिए शुक्रिया, लेकिन लेकिन मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, इस कातिल के बारे में और जानना चाहती हूँ। नहीं, ये मुमकिन नहीं। मुझे आपको सावधान करना था, सो कर दिया। मेरा काम खत्म हो गया। मैं फिर एक बार कहती हूँ, सुधीर से बचकर रहना। हेलो हेलो, जी वो कांता जी, ये आप किससे बात कर रही थी? मैंने सुना कि आप फोन पर किसी कातिल का जिक्र कर रही थी। जी, मुझे किसी का फोन आया, उसने मुझसे कहा कि चंद्रा जी का कातिल इसी हवेली में है। झूठ है ये, बकवास है। मेरा भाई सुधीर बेगुनाह है, उसे तो कानून ने भी छोड़ दिया है। कानून की गिरफ्त से छूट जाने का मतलब ये तो नहीं कि वो बेगुनाह है। शट अप। कांता जी, आप यहाँ माधवी की देखभाल करने आई हैं या मेरे भाई को कातिल साबित करने? आई तो मैं सिर्फ माधवी की देखभाल करने हूँ खुराना साहब, लेकिन एक बात की जानकारी आपको देना जरूरी समझती हूँ। माधवी जो कुछ भी कहती है चंद्रा जी के बारे में, वो बिल्कुल भी झूठ नहीं है। हाँ, इस बारे में मैं कोई नतीजे पे नहीं पहुंची हूँ, लेकिन लेकिन चंद्रा जी के साथ हुई ट्रेन में मेरी मुलाकात मैं अभी तक भूल नहीं पाई। देखिए कांता जी, मैंने आपको यहाँ जिस काम के लिए बुलाया है, आप अगर अपने आप को वहीं तक सीमित रखें तो बेहतर होगा, वरना 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 दुनिया में लोगों की कोई कमी नहीं है। देखिए कांता जी, मैं अपने भाई से बेहद प्यार करता हूं, और इसलिए ना तो उस पर कोई इल्जाम आने दूंगा और ना ही कोई आंच, समझिए आप। क्या बात है, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं। ड्राइवर प्लीज जल्दी करो, शाम हो गई है, माधवी के स्कूल छूटने का वक्त हो गया है। मैडम जी, गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं है। क्या, बिना पेट्रोल की गाड़ी चलाते हो? पेट्रोल क्यों नहीं भराया तुमने? यही तो अचरज की बात है, मैंने तो टंकी फुल करवाई थी, मगर इसमें तो बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। मैडम जी, यही एक फलांग पर पेट्रोल पंप है, आप कहें तो मैं अभी पेट्रोल लेकर आता हूँ। ठीक है, और कोई चारा भी तो नहीं है। देखा था, वो मेरा वहम नहीं था। और अब भी ये तुम्हारा वहम नहीं है। पर आप जिंदा कैसे हो सकती हैं?
आप तो, चंद्रा जी तो मर चुकी हैं। कांता, वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जो अपनी मौत मरते हैं। वो शांति से मरते हैं, और कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं जिन्हें मार दिया जाता है और फिर उनकी आत्मा भटकती है। आत्मा? हाँ, आत्मा। मतलब कि आप? मैडम जी। हाँ? हो? हाँ? अरे, वो क्या हुआ मैडम जी? हाँ? मैं पेट्रोल ले आया हूँ, आप गाड़ी में बैठिए ना। हाँ? गाड़ी में बैठिए ना मैडम जी। हाँ, हाँ? कांता, उठो कांता, कांता, उठो कांता, कौन है, कौन है? आप सुधीर जी, होश में तो है? एक कदम और चलते तो गिर जाते। तो गिर जाने दिया होता। क्या? आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं? कौन सी जान? कैसी जान? मेरी जान तो चंद्रा थी। चंद्रा चली गई तो सब कुछ चला गया। अब इस खोखले शरीर का क्या करूंगा मैं? जानते हो लोग क्या कहते हैं,
लोग कहते हैं मैंने चंद्र की जान ली, ये एक मेरे माथे पे कलंक है, मेरे माथे पे कलंक है। इस कलंक के साथ कैसे जिंदा रह सकता हूं मैंने कि चंद्र की जान ली, कैसे जिंदा रह सकता हूं मैं? क्या मैंने चंद्र की जान नहीं ली, मैंने चंद्र की जान नहीं ली, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को कसूरवार मानता हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं चंद्र के साथ था, उसके साथ था मैं, वो मेरे करीब थी। लेकिन मैं उसे फिर भी नहीं बचा पाया, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर पाया, मैं अपनी बीवी की मौत का गुनहगार हूं। यही एहसास आपको मौत के करीब ले जा रहा है, और आपने इस एहसास से बचने की कोशिश ही नहीं की। आपने ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि आपकी बीवी चंद्रा का खून किसने किया और क्यों। सुधीर जी, सुधीर जी, आप ये तक भूल गए कि आपकी बीवी की अमानत, आपकी बेटी माधवी आपके साथ है। अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसका क्या होगा? क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती उसके प्रति? देखिए सुधीर जी, इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी बीवी का खून आपने किया है। निकाल दीजिए इस ख्याल को दिमाग के बाहर, प्लीज। संभालिए, संभालिए अपने आप को, अपने लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए। आइए, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ देती हूं, चलिए। रोज खेलेंगे, रोज, और आपके साथ रहेंगे भी। तब तो और भी मजा आएगा। आंटी, चलो ना आंटी, आओ ना आंटी, देखो डैडी मेरे लिए कितने सारे खिलौने लाए। ये कार है, ट्रेन का सेट है, डॉल है, और ये भी देखिए, ये देखिए ना, ये पप्पी भी है। कितना अच्छा है ना आंटी, ये पप्पी देखिए ना। हाँ। कांता जी, आप ये सब जो कुछ भी देख रही हैं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। जी जी हाँ, ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है, और माफ कीजिएगा, आज मैं आपको पहली बार अपने पूरे होशोवास में देख रहा हूँ। जी, और आपके होशोवास में रहने की खुशी माधवी के चेहरे पे नजर आती है। आपको कैसा लग रहा है? देखिए मिस्टर सुधीर, हादसे तो जिंदगी में होते रहते हैं। कई बार जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं
जहां पर इंसान डगमगा जाता है, वो भूल जाता है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन अगर वो इंसान अच्छा है तो ऐसे इंसान के हालात पर हमें तरस आता है, हमें अफसोस होता है। थैंक गॉड, मेरी बुरी लत ने मुझे आपकी नजरों में गिरने नहीं दिया। मुझे तो बस इसी बात की खुशी है कि इस प्यारी सी बच्ची को फिर से अपना सरपरस्त मिल गया। वैसे मिस्टर सुधीर, मुझे नहीं लगता कि अब आपको मेरी जरूरत है। ये क्या कह रही हैं आप? ये तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी हम सब पर। मेरा यकीन मानिए, बड़े भैया ने आपको यहाँ बुलाकर हम सब पे बहुत बड़ा एहसान किया है। अभी तो मैंने संभलना शुरू किया है, अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू किया है, और आप इस घर को, इस बिखरी हुई जिंदगी को आपकी जरूरत है। क्यों माधवी? अरे माधवी कहाँ चली गई? पापा, इधर आइए पापा। आइए देखते हैं कहाँ से आवाज दे रही है। मालूम है आपको पापा देखेंगे सरप्राइज हो जाएंगे, आपका जाना मत। माधवी, माधवी बेटा कहाँ हो तुम? आइए बाहर देखते हैं। मम्मी आप यहीं रुकिए, मैं अभी पापा को लेकर आती हूँ। पापा आप जल्दी चलो, मम्मी वहाँ आपके लिए वेट कर रही हैं। मम्मी? हाँ। कहाँ है मम्मी? वो रही। अरे कहाँ गई मम्मी? मम्मी, 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 पापा मम्मी कहाँ गई? मम्मी, मम्मी। माधवी बेटा, तुम्हारी मम्मी अब तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। पापा आप कैसी बात कर रहे हो, मम्मी तो अभी मेरे साथ ही थी। अगर आपकी मम्मी आपके साथ थी तो अभी कहाँ है वो, बोलो। माधवी बेटा यहाँ। बेटा नेक्स्ट टाइम तुम्हें तुम्हारी मम्मा दिखे ना तो तुरंत हमें बुला लेना। ओके ओके। अब पढ़ाई करनी है कि नहीं? हाँ, तो चलो। आइए ना। बड़ी देर की मेहरबान, आते आते।
आप देखिए, अगर आप ये चाहती हैं कि मैं यहाँ ना रहूं, तो मैं चली जाऊंगी। वैसे भी मेरा काम तो हो चुका है, माधवी को अब मेरी जरूरत नहीं है। लेकिन सुधीर को तुम्हारी जरूरत है। मैं कुछ समझी नहीं। नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। देखिए, अगर हमारी आज की बात पर आपको ऐसा लगा, तो वो सिर्फ एक हमदर्दी का जज्बा था। सुधीर बाबू एक बहुत ही नेक और अच्छे इंसान है। यही तो मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि सुधीर ना सिर्फ अच्छे और नेक हैं, बल्कि बहुत भोले भी हैं। इसीलिए उन्हें भी मेरी तरह मारने की साजिश हो रही है। और फिर तुम ये क्यों भूलती हो कि जिसने मेरी हत्या की, वो हत्यारा अब तक पकड़ा नहीं गया है, और अब उसका दूसरा शिकार है सुधीर। क्या? मगर वो है कौन? बताती हूँ। उस कातिल ने कल रात भी सुधीर को मारने की कोशिश की थी, लेकिन एन वक्त पर तुमने वहां पहुंचकर सुधीर की जान बचा ली। मगर कल रात तो वो खोर शराब के नशे में धुत टेरेस पर पहुंच गए थे। कांता, तुम क्या समझती कि सुधीर शराब के नशे में खुद सीढ़ियां चढ़कर इस घर की छत तक पहुंच गए? नहीं, उन्हें वहां तक पहुंचाने वाला कोई और था। रुको, मैं आ रहा हूँ। कहाँ चले जाती हो मुझको बिना बताए? कहाँ छुपी हो तुम? चंद्र, आखिर वो शख्स है कौन जो इस तरह इस घर में आकर ये सारे खेल खेल रहा है? कांता, ये वही शख्स है जो उस रात ट्रेन के कंपार्टमेंट में आया था, जब मैं और सुधीर बैंगलोर से वापस आए।
काश खुराना ने किया। हाँ पर कांता, इन तमाम बातों से पहले इस घर में एक घटना घटी थी। प्रकाश खुराना के हाथ उनके पिता अमरनाथ के हाथ की लिखी डायरी आई, जिस डायरी में मेरे ससुर ने लिखा था कि प्रकाश खुराना, जिन्हें वो अब तक अच्छे चाल चलन का आदमी समझते आए, ऐसा नहीं है। प्रकाश खुराना निहायत ही अय्याश किस्म के आदमी है। वो ये जायदाद संभाल नहीं पाएंगे। हो सकता है वो ये सारी जायदाद अपनी अय्याशी में उड़ा दे। जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपने छोटे बेटे सुधीर के नाम कर दी है। यह पढ़कर प्रकाश खुराना बहुत परेशान हुआ। ये आपने अच्छा नहीं किया पिताजी। तुम? हाँ मैं। क्या बात है, बहुत गुस्से में दिखाई दे रहे हो। हाँ कामिनी, ये गुस्सा लावे की तरह पकड़ा है मेरे अंदर। अगर कहीं फट पड़ा ना तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। लेकिन प्रकाश, इस गुस्से की वजह क्या है? इस गुस्से की वजह है मेरे स्वर्गीय पिताजी और उनकी वसीयत। वसीयत? हाँ कामिनी, पिताजी को मेरी अय्याशी और आवारापन के बारे में पता चल गया था और इसलिए उन्होंने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करके सारी जायदाद मेरे छोटे भाई सुधीर के नाम कर दी है। क्या? ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। वो वसीयत मैंने खुद पढ़ी है कामिनी। अब क्या करोगे तुम? क्या करूंगा? जो अन्याय पिताजी ने मुझ पर किया है उसे मैं चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस जायदाद पर जितना हक सुधीर का है उतना ही हक मेरा भी है। लेकिन अब तो वसीयत कुछ और ही कहती है। वो वसीयत मेरी तकदीर बदल नहीं सकती कामिनी, मैं अपनी तकदीर खुद बदल दूंगा। लेकिन कैसे प्रकाश? सुधीर को खत्म करके। क्या? सुधीर के मरने के बाद वो सारी जायदाद मेरी हो जाएगी, सिर्फ मेरी। सच ही कहा है किसी ने, इंसान गुस्से में अपने होश भी खो बैठता है। तुम कहना क्या चाहती हो? प्रकाश, सुधीर को मारने के बाद उसकी जायदाद के वारिस तुम नहीं बन सकते हो। क्या? क्योंकि सुधीर को मारने के बाद उसकी जायदाद की वारिस उसकी बेवा यानी चंद्रा होगी। चंद्रा? तो अब मैं क्या करूं कामिनी? सुधीर को खत्म करने से पहले तुम्हें चंद्रा को खत्म करना होगा। चंद्रा? हां प्रकाश, चंद्रा की मौत के बाद सुधीर चंद्रा की जायदाद का मालिक बन जाएगा और फिर तुम सुधीर को मारकर एक साथ दो दो जायदादों के मालिक बन सकते हो। और इस तरह वो अपने मकसद में कामयाब हो गया और अब उसका दूसरा शिकार है सुधीर। पर ये सब बातें मुझसे करने के बजाय तुम अपने पति सुधीर से भी तो कह सकती थी। हाँ जरूर कह सकती, लेकिन तुम तो जानती हो सुधीर कितना भोला कितना मासूम है। वो अपने भाई को इंसान नहीं देवता मानता। अगर ये बात मैं अपनी जिंदगी में भी उसे कह पाती तो वो बिना सोचे समझे
अपनी सारी जायदाद अपने भाई के नाम कर देते। लेकिन अब तुम तो सारी सच्चाई जान गई हो ना। सुधीर की जान को खतरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रकाश खुराना अपनी साजिश की जाल बुनने में लगा हुआ है। प्रकाश, आखिर बात क्या है? सुधीर ने शराब पीना छोड़ दिया है कामिनी। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, और ये सब उस कांता की वजह से हुआ है। कांता ने ही कल रात सुधीर की जान बचाई और इस वजह से सुधीर अब कांता के एहसानों तले पूरी तरह से दब चुका है। समझ में नहीं आता उस कांता के मन में आखिर है क्या। औरत के दिल को समझ पाना बहुत मुश्किल है प्रकाश। कांता उस घर में सुधीर की बेटी माधवी की देखभाल भी कर रही है और अब तो वो सुधीर की भी देखभाल करने लगी है। अब तक तो वो उस घर में एक नौकर है। हो सकता है कल ये नौकरी एक रिश्तेदारी में बदल जाए। कामिनी, तुम ठीक कह रही हो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस कांता को हवेली में बुलाकर मैंने बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली। ये क्या कर रही हैं आप? क्यों, क्या मैं इस लायक भी नहीं कि अपनों से बड़ों के पैर छूं? वैसे चंद्रा जी भी तो यही करती थी, तब तो आप इस तरह से पैर नहीं हटाया करते थे। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि छोटे ही तो बड़ों के पैर छूते हैं और बड़े उन्हें आशीर्वाद देते हैं उनकी कामयाबी के लिए। देखिए कांता जी, आप मुझे कांता जी क्यों कहते हैं? सिर्फ कांता कहिए ना। ठीक है, कांता। हाँ, कांता। खुराना साहब, आपने मुझे जिस काम के लिए बुलाया है वो काम मैंने शुरू कर दिया है। माधवी मुझसे अच्छी तरह से हिल मिल गई है और आपने तो देखा ही होगा सुधीर बाबू भी काफी बदल गए हैं। मैं और कुछ नहीं चाहती, बस इस घर की खोई हुई खुशियों को लौटाना चाहती हूँ। मैं चलती हूँ। ओह, तो बात यहां तक आ पहुंची है। उस औरत का खेल मुझे समझ नहीं आ रहा कामिनी। प्रकाश, उस औरत को मालूम है कि उस हवेली में एक बहू की जगह खाली है। माधवी का मन तो वो जीत चुकी थी और अब सुधीर का भी। लगता है उस हवेली में बहुत जल्द शहनाई दोबारा गूंजने वाली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। होने को किसने रोका है प्रकाश? मैं रोकूंगा उसे, समझे तुम? मैं रोकूंगा। माधवी, मम्मी। हाँ मेरी बच्ची। आप यहाँ आती हो तो सिर्फ मुझसे मिलकर चली जाती हो, पापा से क्यों नहीं मिलती? अब मैं तुम्हारे पापा से भी मिलूंगी। सच? माधवी, अभी माधवी आएंगे ना तो आप यहीं रुकना, हाँ, कहीं नहीं जाना। माधवी, प्रॉमिस। पापा। अच्छा बेटा, बेटा आप किससे बातें कर रहे थे? मम्मी से। मम्मी से?
मेरा बेटा मम्मी से बातें कर रहा था। हाँ, मम्मी ने कहा था कि आपसे भी मिलेंगी, पर पता नहीं कहाँ गई। कोई बात नहीं, हम मम्मी से फिर कभी मिल लेंगे। अब अंदर चले। हाँ। चलो सुधी। मैंने कहा था ना कि मम्मी है। चंद्रा तो मम्मी, इसका मतलब है माधवी जो भी कहती थी ठीक कहती थी। सच कहती है माधवी, मैं अक्सर उससे मिलने आती हूँ। चंद्रा, चंद्रा, चंद्रा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ चंद्रा। नहीं सुधीर, अब मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, और आत्मा की अपनी सीमाएं होती हैं। तुम सिर्फ मुझे देख सकते हो, छू नहीं सकते। नहीं चंद्रा, चंद्रा मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। नहीं सुधीर, साई के पीछे नहीं भागते, कुछ हाथ नहीं आता। अचानक मौत के कारण मेरी आत्मा भटक रही है, मुझे मोक्ष चाहिए। मुझे इस पीड़ा से बाहर निकालो सुधीर, मुझे मुक्ति दिला दो। मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मोक्ष मिल जाए? 2 दिन बाद मेरी बरसी है। हाँ, 2 दिन बाद पूरा 1 साल हो जाएगा तुम्हारी मौत को। तुम्हें बेंगलोर आना होगा, मेरे माता पिता के घर, वहां शांति यज्ञ करवा दो, जिससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी और मुझे मुक्ति। आओगे ना सुधीर? मैं जरूर आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। सुधीर, चंद्रा, सुधीर, चंद्रा, चंद्रा, बड़े भैया चंद्रा आई थी, बड़े भैया चंद्रा आई थी। चंद्रा? हाँ। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ बड़े भैया, बड़े भैया मैंने उसे अभी अभी यहां देखा। सुधीर, चंद्रा तो तुम्हारे मन में है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे ख्यालों में है। अरे नहीं बड़े भैया, बड़े भैया चंद्रा मुझे खुद कह के गई है कि 2 दिन बाद उसकी बरसी है, और अगर उसकी बरसी के दिन मैं उसकी माता पिता के घर बैंगलोर में शांति जगह करवाता हूँ तो उसके आत्मा को शांति मिलेगी। मैं बैंगलोर जाऊंगा बड़े भैया, मैं बैंगलोर जाऊंगा बड़े भैया। हाँ जरूर जाओ सुधीर, तुम बैंगलोर जरूर जाना। भैया, भैया मैं कांता को भी साथ ले जाऊंगा। कांता को साथ लेके जाओगे तुम? हाँ ठीक है, उसे भी साथ लेके जाना। दरअसल मैं भी तुम्हारे साथ आता सुधीर, लेकिन यहां पे कुछ जरूरी काम है मेरा, लेकिन तुम जरूर जाना। हाँ? मैं जरूर जाऊंगा भैया। हाँ। Oh.
क्यों भैया, क्यों क्यों मारना चाहते हो मुझे? क्योंकि पिताजी ने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी थी। अगर तुम कहते तो मैं सारी जायदाद वैसे ही तुम्हारे नाम कर देता। वो तो अब भी मेरे ही नाम होगी। चंद्रा, तुम? मुझे माफ कर देना चंद्रा। मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम्हारा खून किया। तुमने, प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज। तुमने मेरी चंद्रा को मारा भैया। हाँ सुधीर, लेकिन इसे कहना मुझे माफ कर दे चंद्रा, मुझे माफ कर दो प्लीज। माधवी को एक मां की जरूरत है, तुम्हारी वीरान जिंदगी को एक बीवी की और उस घर को एक बहू की, और इन तीनों जिम्मेदारियों को निभाने वाली कांता के सिवा और कोई नहीं हो सकती। सुधीर, कांता की सूरत में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कांता, तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगी ना? क्योंकि मेरी मुक्ति का बस यही एक मार्ग है।